देखो यार, गेमिंग चैनल को ग्रो करना बहुत ज्यादा इजी होता है। अगर तुम लोगों को ये लग रहा है कि ये वीडियो में मैं सिर्फ गेमिंग चैनल वालों को स्पेसिफाई करूंगा तो तुम बिल्कुल गलत हो। हाँ, ये बात जरूर है कि गेमिंग वालों को एक बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे वो बहुत तेजी से ग्रो होना चालू हो जाएंगे। पर अगर तुम्हारा किसी और निश का चैनल है और वो भी ग्रो नहीं हो रहा तो मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम भी अपना गेमिंग चैनल खोलने की पूरी कोशिश करोगे। अब यार सही बताऊं तो पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में सबसे ज्यादा आसान चैनल ग्रो करना होता है गेमिंग चैनल। अब जो गेमर्स होते हैं उनको तो सबसे ज्यादा मुश्किल यही काम लगता है, पर ऐसा नहीं है मेरे भाई। भाई पहले ये बात को समझो कि गेमिंग सबसे ज्यादा ब्रॉड कम्युनिटी है यूट्यूब के ऊपर। 13 साल से 24 साल तक के लोग इसको बहुत मजे से खेलते हैं, और सिर्फ खेलना ही नहीं, लोग देखना भी पसंद करते हैं इस चीज को। तो ये बात को तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा एंगेजमेंट है यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर गेमिंग की, और इस वजह से तुम लोगों का पोल भी यही था कि भाई मैं गेमिंग के ऊपर, हाउ टू ग्रो ए गेमिंग चैनल के ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आऊं। वीडियो आ चुकी है। तो भाई यही चीज को देखते हुए मैं आता हूं अपने सबसे पहले पॉइंट पे, जो कि है डू लाइव स्ट्रीम्स इंस्टेड ऑफ अपलोडिंग वीडियोस। अब यार इस चीज का मतलब मुझे समझाना पड़ेगा, पर तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो यार, ये बात को तुम्हें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि एक लाइव स्ट्रीम की रीच बहुत ज्यादा होती है यूट्यूब वीडियो के मुकाबले। वीडियो ज्यादा इंप्रेशन नहीं लेकर जाती, पर लाइव स्ट्रीम बहुत ज्यादा इंप्रेशन लेकर जाती है। ये कैसे समझाता हूँ। देखो यार, गेमर्स अगर लाइव होते तो वो एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे लाइव करते हैं, और 2 घंटे तक जब तक वो लाइव है वो लाइव स्ट्रीम के इंप्रेशन बढ़ते ही रहते हैं, कभी डाउन नहीं होते। और जहां तक रही वीडियो की बात, अगर 15 मिनट की वीडियो पूरी मेहनत और एडिटिंग लगन लगा के अपनी डालते हो तो उसकी रीच 1 घंटे के अंदर खत्म होने लग जाती है। तुम्हारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको नोटिफिकेशन चली जाएगी, वो वीडियो देख लेंगे, ब्राउज फीचर में आ जाएगी, पर उसके बाद वीडियो की रीच अपने आप डाउन हो जाएगी। ऊपर से तुम्हें दुनिया भर का SEO करना पड़ेगा, थंबनेल अच्छा बनाना पड़ेगा और वीडियो को रैंक करने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। पर ऐसा लाइव स्ट्रीम के साथ कुछ है नहीं, तुम धेले भर का SEO मत करना। अगर तुमने लाइव स्ट्रीम 2 घंटे कर ली, तुम्हारी लाइव स्ट्रीम अपने आप रैंक होने लग जाएगी और तुम्हें व्यूज क्या सब्सक्राइब दुनिया भर के मिलने लग जाएंगे उस वीडियो से। और ऐसे ही बहुत सारे मैंने क्रिएटर्स देखे जो मेरे साथ थे 10,000 सब्सक्राइबर्स तक, और आज मेरे से 2.5 गुना सब्सक्राइबर्स पर बैठे हैं सिर्फ रेगुलर गेमिंग करके। मैंने अपने पिछले हाउ टू ग्रो गेमिंग चैनल वाले वीडियो में भी इस बंदे का नाम बताना भूल गया था, पर इस वीडियो में इसका पूरा चैनल तुम लोगों को दिखा देता हूं। आज मेरे 40,000 सब्सक्राइबर हैं और इस बंदे के 93,000 सब्सक्राइबर्स हैं। और एक टाइम ऐसा था जब मेरे 14,000 सब्सक्राइबर थे और इसके 12,000 सब्सक्राइबर थे, और आज मेरे से 2.5 गुना ज्यादा सब्सक्राइबर्स पर बैठा है सिर्फ इस वजह से कि रेगुलर लाइव स्ट्रीम करता है अपने चैनल पर। तो ये वाला बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है, डू लाइव स्ट्रीम इंस्टेड ऑफ अपलोडिंग वीडियोस। ना एडिटिंग करने की जरूरत और ना SEO करने की जरूरत। अब तुम लोग बोलोगे यार लाइव स्ट्रीम तो हम कर लें, पर किस चीज की करें, तो वही चीज तो बता रहा हूँ। रुक जाओ, वीडियो पूरी देखोगे तभी तो समझ आएगा, बोल कर रहा हूँ, देख लो। इसी चीज को देखते हुए हमारा सेकंड पॉइंट आता है, प्ले ट्रेंडिंग एंड, यार एंड क्या बोली जा रहा हूँ मैं, इसी चीज को देखते हुए हमारे यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है, प्ले ट्रेंडिंग गेम्स। अब तुम लोग बोलोगे यार कौन से ट्रेंडिंग गेम्स, क्या होते हैं ट्रेंडिंग गेम्स, इतना नहीं पता, बता रहा हूं रुको। देखो यार, ट्रेंडिंग गेम्स मतलब होता है GTA 5। अब तुम लोग बोलोगे GTA 5, हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमारे पास एक मोबाइल है वो भी 2 MB वाला। तो मैं बताता हूँ, बहुत हल्के गेम्स आते हैं, बहुत ज्यादा कम MB वाले जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इंडिया के अंदर। जैसे कि हो गया भाई हमारा अमंग अस, बहुत छोटा सा गेम है, स्टंबल गाइज, फॉल गाइज, ऐसी बहुत सारी गेम है जो इंडिया के अंदर ट्रेंड कर रहे हैं, और ऐसे यूट्यूबर्स लाखों रुपए छाप रहे हैं डेली के, सिर्फ यूट्यूब मोनेटाइजेशन से नहीं, सुपर चैट और स्पॉन्सरशिप से भी। तो ये चीज तुम लोग ध्यान में जरूर रख रहा, लाइव स्ट्रीम तो तुम डेली कर रहे हो तो बहुत अच्छे और ट्रेंडिंग गेम्स की करो, चैनल उठेगा भी और पैसा भी दुनिया भर का छापने लग जाओगे। अब यार जो यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट आता है, जो इन दोनों चीजों से तो बहुत ज्यादा अलग है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारा SEO। अब तुम लोग बोलोगे क्रिश कुमार भाई, तूने अभी तो बोला था कि लाइव स्ट्रीम के लिए SEO करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप रैंक हो जाता है। देखो यार, मेरा मानना ऐसा है कि एक बार तो तुम्हें SEO जरूर करना पड़ेगा, और वो ऐसा SEO होना चाहिए जो तुम हर वीडियो में यूज कर सको और हर वीडियो रैंक हो जाए। जो मैंने चैनल अभी तुम्हें 5 मिनट पहले दिखाया था, वो बंदा 14,000 सब्सक्राइबर तक तो मेरे साथ था, उसके बाद वो क्यों भागा, वो इस वजह से भागा कि उसके सारे थंबनेल बिल्कुल सेम होते थे, सारे टाइटल सेम होते थे और सारे डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सेम होते थे और सारे टैग्स भी सेम होते हैं। इस वजह से उसका चैनल बहुत तेजी से भागा, उसकी वीडियोस लोगों के रिकमेंडेशन में जाने लग गई। वो फ्री फायर खेलता है, जो भी लोग फ्री फायर देखते हैं उनकी रिकमेंडेशन में उसकी वीडियोस जाने लग गई, उसकी लाइव स्ट्रीम जाने लग गई, इस वजह से वो तेजी से भाग गया। देखो यार, वीडियो रैंक कराने के लिए तुम्हें वीडियो के टैग्स बहुत अच्छे ढूंढने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से मनोज देखे
चैनल को छोड़ के कोई और ऐसा चैनल होगा नहीं जिसकी वीडियो टैग्स के बिना वीडियोस रैंक होने लग जाएं। तो तुम्हें ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई तुम्हें अपनी वीडियोस को रैंक कराना पड़ेगा, और उसके लिए तुम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आई बटन पर एक वीडियो है, वहां से जाकर देख लो। कीवर्ड रिसर्च के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, बहुत अच्छा वीडियो, जाकर समझ सकते हो और कर भी सकते हो। तो आई होप इस वीडियो ने बहुत ज्यादा हेल्प करी होगी तुम्हारा गेमिंग चैनल को एक आइडिया देने के लिए भाई क्या क्या करना होता है गेमिंग चैनल के ऊपर, और ये चीज करके तुम अपना गेमिंग चैनल ग्रो कर सकते हो। जिनका गेमिंग चैनल नहीं है भाई देख लो, ये चीज करनी होती है अगर फ्यूचर में खोलोगे या फिर मन है खोलने का तो देरी मत करो। तो भाई मैं मिलूंगा एक बहुत अच्छे और तगड़े गिव अवे के साथ, 40,000 सब्सक्राइबर्स का गिव अवे आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।